इस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड के कोसी धार में मछुआरे ने पकड़ी 70 किलो की मछली। नवगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न विधाओं के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता 27 अप्रैल से 5 मई तक, प्रतिभागियों के लिए व्हाट्सएप नंबर किया जारी। नवगछिया में कोरोना योद्धाओं को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। एसडीओ ने कहा, लॉकडाउन का करे पालन, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले। नवगछिया में परशुराम जयंती का आयोजन, अपने अपने घरों में जलाया दिया और मोमबत्ती। नवगछिया के गोपालपुर में हर हाल में 15 मई तक कटाव निरोधी कार्य पूरा करने का मुख्य अभियंता ने दिया निर्देश। बीपुर महंत अस्थान चौक एनएच 31 के पास साइकिल पर लिफ्ट देकर महिला को बगीचे में ले जाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता के बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया से 16 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा, पूर्व में भेजे गए सैंपल की नहीं आई है रिपोर्ट। नवगछिया के दुनिया टोला में जमकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 4 लोग घायल। नवगछिया के लक्ष्मीपुर में छत से गिरने से युवक घायल, प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर। नवगछिया के तेतरी में कपड़ा सिलवाने में हुए विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया में डिवाइन विजन संस्था के द्वारा नगर पंचायत नवगछिया में 100 लोगों के बीच राशन का किया गया वितरण। नारायणपुर पीएससी में 2 व्यक्ति का हुआ स्वास्थ्य जांच। जीएस न्यूज के बुलेटिन में अपना विज्ञापन हेतु संपर्क करें 97098-94-194-7004-8265-39। अब खबर विस्तार से। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 99348555। नवगछिया में कुदरत का करिश्मा, कोशी की धार में मछुआरे ने पकड़ी 70 किलो की मछली। धरती, आकाश और जल में कई तरह के जीव जंतुओं और पक्षियों का वास होता है। कई जीव अपने आकार से सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला भागलपुर जिले के नवगछिया में सामने आया है। मामला यह है कि नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड में कोसी नदी की धार में एक मछुआरा मछली मार रहा था। इस बीच उसके जाल में 70 किलो की एक मछली फंस गई, जिसे एक गाड़ी पर लादकर मछुआरा अपने घर ले आया। इस मछली को देखने के लिए वहां के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उत्सुक होकर मछली को देखने लगे। बाद में लॉकडाउन में लोगों की भीड़ न जमा हो सके इसको लेकर इसके लिए मछुआरे ने तुरंत मछली को तकरीबन 40 आदमी के बीच बांटकर बेच दिया। नवगछिया में कोरोना योद्धाओं को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। एसडीओ ने कहा, लॉकडाउन का करे पालन, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले बाहर। गायक मिथुन महुआ के गीतों के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। कोरोना संकट में रात दिन एक कर अपनी ड्यूटी पर लगने वाले योद्धाओं को भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष खरीक दक्षिण की जिला पार्षद कुमकुम देवी के संयुक्त नेतृत्व में अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर शनिवार को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने वाले पदाधिकारियों में नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र कुमार भारती, नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीत कुमार सुमन, आपूर्ति पदाधिकारी अनुमंडल के कार्यालय सहायक दीपक कुमार, रोजाना फेसबुक लाइव के माध्यम से घंटों कोरोना से संबंधित जागरूक गीतों का प्रसारण करने वाले गायक मिथुन महुआ, अनुमंडल के कई पत्रकार भी थे। मौके पर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ के लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें और लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, यही उनकी अपील है और इस कार्य में वे इन दिनों लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क जरूर पहने और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं सम्मानित होने के क्रम में
नौगछिया के SDPO प्रवीण भारती ने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना से जंग हम लोग जीत जाएंगे। मौके पर गायक मिथुन महुआ ने अपनी प्रस्तुति दी और गीतों के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की सलाह दी। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष खरीक, दक्षिण की जिला पार्षद कुमकुम देवी, भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य गगन चौधरी, फाइटर जेम्स गायक मिथुन महुआ, विजय आनंद सहित कई अन्य भी थे। घर में ही रहने का मौका आ गया, ये कोरोना ऐसा दिन भी दिखा गया। विभिन्न विधाओं के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑनलाइन प्रतियोगिता 27 अप्रैल से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया द्वारा लॉकडाउन के दौरान छात्र छात्राओं के लिए 27 अप्रैल से 5 मई तक ऑनलाइन प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभा प्रदर्शन में देशभक्ति गीत, नृत्य, कविता पाठ, भाषण, पोस्टर मेकिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता सम्मिलित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने बताया कि ABBP द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्देश्य लॉकडाउन जैसे विपरीत परिस्थिति में छात्र छात्राओं का कौशल विकास करना एवं उनकी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं अपने प्रतिभा का ऑनलाइन प्रदर्शन करेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा और सभी प्रतिभागी को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम प्रमुख आकांक्षा चौधरी, सह प्रमुख अंजलि भारती को बनाया गया है। नित्य गीत, भाषण एवं कविता पाठ का वीडियो अधिकतम 5 मिनट का बनाकर भेजना है। पोस्टर एवं मेहंदी की फोटो खींचकर भेजना है। प्रस्तुति के साथ अपना नाम, विद्यालय, महाविद्यालय एवं कक्षा लिखकर भेजना है। इसके लिए परिषद की ओर से व्हाट्सएप नंबर 8002573183 जारी किया गया है। नवगछिया से 16 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा, पूर्व में भेजे गए सैंपल की नहीं आई यह रिपोर्ट। बीरपुर प्रखंड के हरियो गांव में 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार संदिग्ध की जांच की जा रही है। शनिवार को भी नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कुल 16 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। जांच के लिए सैंपल लेने के बाद सभी लोगों को नौगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। मालूम हो कि नौगछिया में 4 अप्रैल को पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला था, दूसरा संक्रमित मरीज 22 अप्रैल को मिला है। पहले संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 21 अप्रैल तक 84 लोगों का जांच किया गया था। जांच के बाद 22 अप्रैल को एक मरीज पॉजिटिव पाई गई। 22 अप्रैल के बाद से पहले दिन 33, दूसरे दिन 21 एवं शनिवार को कुल 16 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिन लोगों का सैंपल भेजा गया है उनकी रिपोर्ट अपर्याप्त है। शनिवार को 16 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नवगछिया के बीरपुर NH31 महंत बाबा स्थान चौक के समीप साइकिल पर लिफ्ट देकर महिला को बगीचे में ले जाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता के बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र के एक महिला के साथ बीरपुर थाना क्षेत्र के महंत स्थान चौक के NH31 के किनारे आम बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संदर्भ में पीड़ित महिला के बयान पर नौगछिया महिला थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी बीरपुर थाना क्षेत्र के जयरामपुर तेलगी टोला निवासी बुधन मंडल है। नौगछिया महिला थाना अध्यक्ष श्वेता कुमारी ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल जांच भी करवाया गया है। प्राथमिकी में दिए आवेदन में महिला ने बताया कि पति से विवाद होने के बाद वह शुक्रवार को अपने घर से मायके के लिए निकली थी। महिला का मायका खगड़िया जिला में पड़ता है। महिला ने पुलिस को बताया कि भागलपुर में एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेकर बीरपुर पहुंची। बीरपुर पहुंचने के बाद उन्होंने एक साइकिल सवार से लिफ्ट लिया और कहा कि नारायणपुर में उसका रिश्तेदार रहता है, वह उसे नारायणपुर में छोड़ दे। साइकिल सवार ने महिला को साइकिल पर घुमाते रहा और संध्या समय महंत स्थान चौक के पास स्थित एक बगीचे में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। हल्ला करने पर वहां लोग जमा हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद युवक की पहचान बुधन मंडल के रूप में की गई।
नवगछिया में कपड़ा सिलवाने में हुए विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया के तेतरी गांव में दो पक्षों के बीच कपड़ा सिलवाने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों से 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सबों का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया है। घटना की बाबत दोनों पक्षों से नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मोहम्मद कुदूस ने नक्कू झा, मदन झा, मिठुआ, श्रीनिवास झा, विजय झा, सुमन झा, रमन झा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तो वहीं मदन झा ने मोहम्मद खुदीस, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद नसीर के विरुद्ध पथराव कर घायल और बेहोश कर देने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोपालपुर में हर हाल में 15 मई तक कटाव निरोधी कार्य पूरा होने का मुख्य अभियंता ने दिया निर्देश। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर शशिधर पांडे व अधीक्षण अभियंता इंजीनियर महेंद्र प्रसाद ने शनिवार की दोपहर को गंगा नदी में विक्रमशिला सेतु के डाउनस्ट्रीम में इस्माइलपुर बिंदटोली व झल्लू दासटोला में विभाग द्वारा कराए जा रहे कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण किया। कटाव निरोधी कार्यों की धीमी गति देखकर उन्होंने विभागीय अभियंताओं व ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया कि हर हाल में वे 15 मई तक गुणवत्तापूर्ण कार्य कर कटाव निरोधी कार्यों को पूरा करें। उन्होंने मजदूरों की संख्या बढ़ाकर युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया है। नवगछिया में परशुराम जयंती का आयोजन। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ नवगछिया ने अपने अपने घरों में दिया और मोमबत्ती जलाकर परशुराम जयंती मनाई। संघ के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि भगवान विष्णु के 6 अवतार भगवान परशुराम तीव्र क्रोध के लिए प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान परशुराम जी देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान गणेश जी ने उन्हें भगवान शिव से भेंट करने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था। इसके बाद से ही भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। वहीं जिलाध्यक्ष ललित झा, नंदलाल तिवारी, पंडित शैलेश झा, पंडित अश्विनी झा, नीरज झा, श्रीधर महाराज, राम पाठक, प्रशांत झा, हिमांशु शेखर झा, केशव पांडे, प्रमोद चौबे, विभास कुमार, पंडित विशंबर झा सहित सभी सदस्यों ने परशुराम जयंती पर अपने अपने घरों में विश्व कल्याण की कामना की। जिलाध्यक्ष ललित झा ने कहा कि लॉकडाउन समापन के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई ब्राह्मणों को सम्मानित किया जाएगा। नवगछिया में छत से गिरने से युवक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में छत पर गेहूं पसारने के दौरान लक्ष्मीपुर निवासी शैलेश यादव घायल हो गया है, जिसे परिजनों द्वारा इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। नवगछिया नगर पंचायत में 100 लोगों को किया गया राशन वितरण। डिवाइन विजन एनजीओ के तत्वाधान में नवगछिया नगर पंचायत स्थित नया टोला कार्यालय में करीब 100 जरूरतमंद के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री चावल, दाल, आटा, सरसों तेल, साबुन, सर्फ, साबुन, बिस्कुट, कुरकुरे, आलू, प्याज, हल्दी, मसाला सहित कई सामान उपलब्ध कराया गया। मौके पर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह समाज सेवी प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, संस्था के चेयरमैन शशिकांत शाह, सचिव अरविंद कुमार यादव, गौतम यादव, जेम्स फाइटर वरुण कुमार, वीरेंद्र शाह, विनोद भगत, मोनी गुप्ता, पिंटू यादव, चंदन कुमार, मिथुन महुआ सहित कई मौजूद थे। नवगछिया थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट में 4 लोग घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के दुनिया टोला में शनिवार को दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में शंकर कुमार पंडित, कृष्ण कुमार पंडित, जूली देवी, विकास पंडित घायल हो गए हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सबों का इलाज कराया गया है। नारायणपुर पीएससी में स्वास्थ्य जांच। पीएससी नारायणपुर में शनिवार को चंडीगढ़ से पैदल आए मोहनपुर निवासी दो व्यक्ति का स्वास्थ्य जांच पीएससी के डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा किया गया। पीएससी प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार विद्यार्थी ने बताया कि जांच के दौरान किसी में कोरोना का लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन दोनों को 14 दिनों तक घर में रहने का सलाह दिया गया है।